मेरे ख्याल में मुनासिब यही होगा कि आप आकर अपनी अमानत वापस ले जाएं, क्योंकि आप ही इसके वारिस हैं। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, ये तुम्हारे फादर का नंबर है, कॉल है। उनको हवा के बारे में बताओ और उनसे कहो कि तुम्हें आकर ले जाएं। मेरा कहना मुनासिब नहीं लगता। फैसला आपका है तो कॉल भी आप कर लें, और जब मुझे लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। हेलो, जलील बात कर रहा हूँ। आपकी एक अमानत मेरे पास है, बरसों से उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पाल रहा हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटा दूँ। उसकी माँ की डेथ हो गई है और हवा के बाद उसका इस घर में रहना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में मुनासिब यही होगा कि आप आकर अपनी अमानत वापस ले जाएं, क्योंकि आप ही इसके वारिस हैं। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी? अव्वा की डेथ हो गई है। क्या हुआ? हव्वा का इंतकाल हो गया है, हव्वा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर कैसे? मैं ये जानने का हक रखता हूं। उसकी मौत की इत्तला आपको देने का क्या मकसद है? डॉक्टर जलील की कॉल आई थी, उसने कहा कि अपनी बेटी को आकर ले जाएं। ये क्या बात है? हम उसे क्यों लेकर जाएं? हमारा उससे क्या ताल्लुक है? मलाहत, वो उस्मान की बेटी है। कहाँ की बेटी अम्मा? 18 साल तक किसी को याद नहीं, बस घर की बेटी है। एक ही शहर में रहते हुए किसी ने जानने की कोशिश की वो कहाँ है, कैसी है, और वो हव्वा का शौहर डॉक्टर जलील जब किसी और की बीवी को भगा कर ले गया, तब उसे याद नहीं पराई बच्ची है? तब तो इश्क में हरी हरी सूझ रही थी, अब जबकि उसका इंतकाल हो गया तो उसे अचानक से याद आई, ये तो पराई औलाद है। क्यों, इश्क हवा हो गया अचानक से? मलाहत, अब्बा जी बैठे हैं। उस्मान, मैं सबके सामने ये बात करूंगी। मैं आप सब लोगों को साफ साफ बता रही हूं, वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं रहेगी, उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। दिल नहीं रहता।